बहुत ठीक है भाई, बंद गोभी भी बढ़िया लग रही है देख लो, और 15 रुपए किलो है। चलो ठीक। तो साथियों धूप बहुत बढ़िया निकली हुई है, दो दिन बाद धूप नहीं थी, दो दिन पहले सॉरी, और दो दिन के बाद अब धूप बहुत बढ़िया निकली हुई है। इस टाइम तो लोग धूप में बैठे हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं यहाँ पे मचान पे हूँ, और मुझे भी धूप के जो दर्शन हुए हैं, और धूप जो गुनगुनी लग रही है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो स्वागत करता हूँ आपका अपने आज के नए ब्लॉग में, और पार्क में वॉक कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ अपनी अपनी गप्पे कर रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ वो क्या गप्पे कर रहे हैं और हंसी मजाक क्या चल रही है यहाँ पे। क्या कर रहे हो? आज धूप का आनंद ले रहे हैं, पहली बार बहुत अच्छी धूप आई है यहाँ पर। अच्छा, पहली बार बहुत अच्छी धूप आई है, धूप का आनंद ले रहे हैं। ऐसा दिल लग रहा है सर 2-4 घंटे बैठे रहे। तो ये देखिए इधर बैठे, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे गोविंद हरि, और धूप का सभी आनंद ले रहे हैं। हाँ, कुछ क्या कहना चाह रहे थे आप? एक बार ऐसा हुआ, हिंदुस्तानी तबला और पाकिस्तानी ढोलक, अच्छा, दोनों बोल रहे, एक बोल रहा मैं अच्छा बजता हूँ, दूसरा बोल रहा मैं अच्छा बजता हूँ। अच्छा अच्छा, तो पाकिस्तानी ढोलकी कैसे बजती है? अब हिंदुस्तानी तबला बोलता मैं अभी बजू, अब उधर से ढोलकी तेज हो गई और अब इधर से तबला और तेज हो गया। अब उधर से ढोलकी और तेज होगी, अब ताल और तबला इधर से और तेज हो गया। अब उधर से सब ढोल के और तेज बजे, और पैसा पैसा फूट गई हो। अच्छा, फूट गई, अब फूटे हुए, फूटे हुए ढोल के कैसे से ढोल की बज रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उधर से तबला मजे से, तबला मजे से बोलने लग गया। अरे तबला भी फूट गया। खुश हो गई जो हिंदुस्तान जो ढोलक था, तबला था, बहुत खुश हो गया, वो बोल रहा फूट गए की ढोल की। हाँ, थोड़ी सांस ले लो, क्या सांस चढ़ गई? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या अब इसके बाद भी कुछ सुनाओ? हाँ, थोड़ा बांसुरी सुनाएंगे। बांसुरी बताओ, दिखाओ आज अपना टैलेंट, आज आपका टैलेंट ही लोगों के सर चढ़ के बोलेगा। पहले भी जब आपने जो सुनाया था वही लोगों को बहुत पसंद आया था, वो टैलेंट जो डांस किया था आपने। हाँ हाँ, सांस ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। देख लीजिए साथियों, टैलेंट कहाँ कहाँ छुपे रहते हैं, आज टैलेंट धूप सेक रहे हैं।
क्या कह रहे हो? पहाड़ी धुन जो है ब्यूटीफुल को बारह मास में ये सब जगह आता है, गाते हैं शादी ब्याह में। पहाड़ी पहाड़ी धुन ब्याह में नाचते हैं। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। ये साथियों पहाड़ी धुन। और नाच के दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहे हो आप। देखिए साथियों 70+ की मस्ती देखिए, ये 70+ है इस वक्त, लेकिन अपनी मस्ती में फुल जी रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। नाचो यार थोड़ा सा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपका आपको ऐसे देखते हुए। अरे खड़े हो जाओ यार दो मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है आज की खुशनुमा मॉर्निंग, गुनगुनी मॉर्निंग। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद प्रभु, बहुत बढ़िया। तो भाई आज तो इन्होंने समा बांध दिया यहाँ पे मचान के ऊपर, और सुबह सुबह आज की मॉर्निंग वाकई गुड मॉर्निंग कर दिए। बहुत अच्छी धुन सुनाई है और नृत्य भी बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत मजा आ गया। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, या क्या आप इंजॉय कर रहे हैं या बोरियत महसूस कर रहे हैं, आप बताइएगा इस बात को। लेकिन ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि 70+ है ये भी और लाइफ जी रहे हैं। 76 बता रहे हैं। कितना? 76। तो देख लीजिए मस्ती जारी है, ऊपर वाले का नाम लेता जा रहा। मस्ती कम नहीं है, लाइफ जी जा रही है। लाइफ को ऐसे नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और अपने साथ साथ सभी लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। अभी जो बांसुरी बजाई थी आपने, सुनी थी इनसे, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। देखो साथियों बच्चे भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा। देखिए बच्चों ने भी इंजॉय किया, यानी कि बच्चे भी अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। अब आप भी बताइए आपको कैसा महसूस होता है, कमेंट कीजिएगा इस बारे में। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो बोलो। मैं पाकिस्तान की ढोलकी फोड़ दी इन्होंने, उसकी आवाज में गा रहे थे। जय श्री राम। तो राउंड हो गया पूरा? राउंड हो गया सर जी। चलिए ठीक है, ओके। 5 रुपए का 5 किलो। तो साथियों 50 रुपए का 5 किलो, 50 रुपए का 5 किलो। तो साथियों शाम हो गई है, अब घर को निकल रहा हूँ, लेकिन इस मंडी दिखाई दे गई है तो थोड़ी सब्जी लेते हुए भी निकलता हूँ। भाई कैसे चल रहे हैं आलू? 50 के 5 किलो। 50 के 5 किलो। तो भाई आलू 50 के 5 किलो चल रहे हैं। और ये क्या है, और क्या है ये? प्याज कैसे है? 50 की 2 किलो। 50 की 2 किलो। तो भाई ये 50 की 2 किलो प्याज चल रही है यहाँ पे। और ये मटर? 1 किलो 30। भाई ये देखो ये मटर है, मटर कैसे है? 30 का 1 किलो। 30 रुपए की 1 किलो दे रहे हैं। चलो भाई बढ़िया है, सस्ती चल रही है स्टम चीज। तो भाई दूसरी रेडी पे आ गए, यहाँ पे ही पूछते हैं मटर का क्या भाव है। मटर कैसे चल रही है? मटर 20 रुपए किलो है। मटर 20 रुपए किलो है यहाँ पे, तो बढ़िया है, आगे से तो सस्ती है। और गोभी? गोभी 15 रुपए किलो। गोभी 15 रुपए किलो। तो भाई गोभी 1 किलो कर दो आप मेरे लिए। तो मटर तो मैं पहले भी ले गया था, और तो गोभी ले लेते हैं आज। तो भाई एक और रेडी पे आ गए हैं, कुछ और देखते हैं यहाँ पे भी। मुझे यहाँ पे बंद गोभी पसंद आ रही है, तो बंद गोभी का रेट देखते हैं। बंद गोभी कैसे है? 15 रुपए किलो। 15 रुपए किलो। भाई बंद गोभी सस्ती हो रही है बहुत, 15 रुपए किलो बता रहे हैं। तो ठीक है 1 किलो कर दो आप। ठीक है भाई, बंद गोभी भी बढ़िया लग रही है देख लो, और 15 रुपए किलो है। चलो ठीक है आप कर दो 1 किलो कर दो बंद गोभी। और ये साथ में करेला है भाई, करेला कैसे है? 100 रुपए किलो। भाई करेला 100 रुपए किलो है, तो करेला तो खैर नहीं, मैंने एक दो सब्जियां और ले लिया, करेले 2 दिन बाद लेंगे नहीं तो पक जाएंगे। तो भाई ये देख लो मैंने जो ले लिया, गोभी ले ली और बंद गोभी ले लिया, मटर भी ले लिया 1 किलो, और 1 किलो प्याज ले लिया, और ये 5 किलो आलू दिए।
पाँच किलो आलू है ना? पाँच किलो आलू है। कितना पैसा हो गया टोटल, कितना जोड़ के बताओ? 105 रुपए हो गए भाई। 105 रुपए हो गए और 105 रुपए में इतना सामान आ गया, बहुत बढ़िया है। तो साथियों सब्जी ले लिया, अब घर के लिए निकल रहा हूँ। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा ना, कसम से उसे दिल से थैंक यू है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।